काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेंट्रल ऑफिस में छात्र धरना दे रहे हैं। सेंट्रल ऑफिस के घेराव पर छात्र विरोध करते हुए नारे लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि पिछले पीएचडी एंट्रेंस में हुई धांधली ने निराकरण से पहले कोई नया एग्जाम लिया जाए, इसलिए पीएचडी एंट्रेंस को लेकर जारी नए नोटिफिकेशन को तत्काल प्रभाव में स्थापित किया जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक हम विरोध करेंगे। हिंदी विभाग के पूर्व छात्र बीते जुलाई 2022 से पीएचडी एग्जाम की गड़बड़ी के आरोप लगाकर धरनारत है। अगस्त तक चले धरने के बाद इनकी मांग पर विचार किया गया और आरोपी को जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई। फिलहाल कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, इसलिए छात्रों का कहना है कि हमारी मांगों पर अभी तक फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं और पीएचडी में प्रवेश की नई विज्ञापति जारी कर दी गई है, यह ठीक नहीं है। छात्रों ने धरना प्रदर्शन के दौरान कुलपति के नाम एक लेटर भी लिखा, कहा कि हम यह बताना चाहते हैं कि सितंबर 2021, मार्च 2022 और जुलाई 2022 की प्रवेश प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इसकी जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक जनवरी 2023 पीएचडी एंट्रेंस की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। विरोध कर रहे छात्रों ने कहा कि चार विभागों एआईसी विभाग, सोशियोलॉजी, भूगोल और हिंदी विभाग की विज्ञापति आई है, इनकी प्रक्रिया रोककर हमें पहले शोध छात्रों के तौर पर इनरोल किया जाए। बीते 5 महीने में छात्र बीच बीच में धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। वहीं जुलाई अगस्त में तो हिंदी विभाग के बाहर 2 सप्ताह तक लगातार विरोध चला। उस समय उन्होंने हिंदी विभाग के ही कई प्रोफेसरों पर तरह तरह के आरोप भी लगाए। एक चोरी ये लोग कर चुके हैं, दूसरी चोरी करने की लोग रणनीति बना रहे हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि जब तक कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट ना आए तब तक ये जो विज्ञप्ति आई हुई है इसको रोका जाए। चार डिपार्टमेंट का, जिस डिपार्टमेंट का मामला है इसमें जो संलिप्त हैं उनको हटाया जाए अपने पद से।